फ्रेंड्स, चीन की महान दीवार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह संसार की सबसे बड़ी दीवार होने के साथ ही महान आश्चर्यों में भी एक है। ईसा मसीह के जन्म से 221 साल पहले इसको बनाया गया था। इसको बनाने में 15 साल लगे। इसकी लंबाई 2694.4 किलोमीटर है और ऊंचाई 4.57 से 9.2 मीटर तक है और मोटाई 9.75 मीटर है। इस दीवार को ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। इसके ऊपर कई जगह पर छोटी छोटी मीनारें बनी हुई हैं। फ्रेंड्स, आपके मन में भी एक सवाल होगा कि इतनी बड़ी दीवार बनाने की क्या जरूरत पड़ी। इस दीवार को बनाने के पीछे चीन देश की सुरक्षा का उद्देश्य था। ईसा मसीह के जन्म से 246 साल पहले चीन कई छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। राजा सी हुआंग ने इन सभी प्रांतों को मिलाकर अपना बड़ा सा साम्राज्य बनाया था, क्योंकि उसके साम्राज्य के उत्तरी सिरों पर रहने वाले मंगोलों से उसे हमेशा हमले का डर रहता था। इस डर से बचने के लिए उसने एक बहुत बड़ी दीवार बनाने का फैसला किया था। फ्रेंड्स, उसके मन में यह विचार था कि इस दीवार के बनने के बाद बाहरी हमले का डर खत्म हो जाएगा। बोहाई की खाड़ी में शानहाई कुआन जगह से लेकर काशू में चियाई कुमान तक एक लंबी दीवार बनाई गई। फ्रेंड्स, लेकिन जिस काम के लिए यह दीवार बनाई गई, वह काम कभी भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि दीवार कहीं न कहीं से टूटती रहती थी, जिससे मंगोलों को हमले करने का मौका मिल जाता था। फ्रेंड्स, अब तो इस दीवार के कई हिस्से टूट चुके हैं और इसकी कई बार मरम्मत भी हुई, लेकिन फिर भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा सेफ है। अब तो इसके बाहरी भागों में खेती भी होने लगी है।